मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भले ही अटकलें देखने को मिल रही हों, लेकिन राजनीति पूरी तरह से गर्म होती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में नगरीय निकाय चुनाव के प्रदेश संयोजक व वरिष्ठ बीजेपी नेता उमाशंकर गुप्ता ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा कर बढ़ती महंगाई सहित अन्य कई सवालों के जवाब दिए। इंदौर दौरे पर आए नगरीय निकाय चुनाव के प्रदेश संयोजक उमाशंकर गुप्ता द्वारा बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, सांसद शंकर लालवानी सहित कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से चर्चा में उमाशंकर गुप्ता का कहना था कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव संचालन समिति बनाई गई है। पहली बैठक में सदस्यों द्वारा चर्चा की गई और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में ही सभी स्थानों पर लगातार बैठक की जाएगी। मतदान सूची को ठीक करने का काम भी किया जा रहा है। एक कमेटी इस पर सुझाव देने के लिए बनाई थी, एक बूथ प्रबंधन के लिए, एक प्रचार के लिए, एक चुनाव तक क्या कार्यक्रम होगा। और तीसरी बैठक में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में इन सब कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें फिर प्रदेश अध्यक्ष जी की इच्छा के अनुसार हमने हर जिलों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं हमारे समिति के सदस्यों को भेजा कि वहाँ के विभिन्न प्रबुद्ध वर्ग के लोग और अन्य शहर के विकास में रुचि रखने वाले लोगों के सुझाव भी प्राप्त किए जाएं कि आखिर हमारा शहर कैसा होना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं। और वो बैठकें भी जिले में लगभग पूरी हुई है। आज इंदौर में भी शाम को 5 बजे श्री माया सेलिब्रिटी में सुझाव के लिए वो बैठक बुलाई है। आज से किचन की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ, पर हाँ एक बात का ध्यान रखना कि व्रत के समय सेलम का सच्चा मोती एक मार्ग साबुदाना ही इस्तेमाल करना। जरूर माँ जी, आज एकादशी पर मैंने आपके लिए सेलम के सच्चा मोती साबुदाने की ही खिचड़ी और खीर तैयार की है और बाबूजी के लिए मैंने अल्पाहार मोरधन का उपमा और अल्पाहार नारियल बूरा के लड्डू बनाए हैं। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी स्मार्ट निकली, दिल जीत लिया तूने मेरा। माँ जी, मैंने सच्चा मोती एक मार्ग साबुदाना ही नहीं बल्कि सच्चा साबु का एक मार्ग साबुदाना भी बुलवा लिया है। दोनों ही साबुदाने एक से बढ़कर एक है। और यही नहीं माँ जी, मैंने साबु ट्रेड के अन्य फरियाली उत्पाद जैसे अल्पाहार मोरधन, अल्पाहार हल्दी पाउडर, अल्पाहार नारियल बूरा और साबु पापड़ भी बुलवा लिए हैं। माँ जी, आपके बरसों का तजुर्बा ही हम सबके खान पान को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाए रखेगा और हाँ, ये बच्चों को भी बहुत भाता है। बेजोड़ प्राकृतिक स्वाद व अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन संगम, खरीदते समय साबु ट्रेड सेलम की पैकिंग व साबु का लोगो देखकर ही खरीद। उमाशंकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासनकाल में मतदान सूची में काफी गड़बड़ी की गई थी। वहीं टिकट वितरण को लेकर उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ी को आगे करने का उद्देश्य है, उम्र बंधन नहीं होगा, काम के अनुसार टिकट वितरण किए जाएंगे और चुनाव जीतने वाले चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अभी महापौर पद के लिए कहा है कि अभी कोई भी प्रत्याशी सुनिश्चित नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।